अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम कर रहे हैं इफ्तारी की, जो हम स्टार्ट है, हमने कल जो बनाई थी आयजा के रोज़े की, जो आयजा ने रोज़ा लिए रखा था पहला अपना इत्तेफाक से रोज़ा रखा था, वो छोटी थी। तो जो है क्या कहते हैं, अब हम जो है ना अपनी जो स्टार्टिंग जो हम इफ्तारी स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए, उसके लिए जो है ना आज हम आपको अपने साथ वीडियो में लेकर आए हैं हम क्या बना रहे हैं। तो ये आप ये देख लीजिए, ये है दाल का पेस्ट, मूंग की जो दाल है, पीली वाली जो दाल है उसका ये पेस्ट बना है। इसमें नमक और लाल मिर्च हल्की सी बनाई है। और इसकी ये देखें छोटी छोटी दही फुल्कियाँ जो है ना वो ये तैयार हो रही है। और हम जो बना रहे हैं वो दही बड़े, वो दही। और ये जो है ना दही मेरा आप देखें, ये मैंने दही घर में जो है ना खुद बनाया है। मैं जो दही है वो ये मेरा होम मेड दही है। ये आप देख रहे हैं कि कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरा ये दही है। ये मैंने घर में दही तैयार किया है। ये मेरा ज़बरदस्त ये दही था जो है क्या कहते हैं। और इसके अलावा हम जो है ना अफ्तारी में ना हम जो स्टार्टिंग 15 दिन अफ्तारी के थे ना, वो हम अफ्तारी खा के थक गए, ऑयली ऑयली चीज़ें। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक दिन अफ्तारी हो, मतलब के पकौड़े समोसे और वो ये वो चीज़ें हमने होममेड बनाए थे। बट हम थोड़ी सी मसरूफ़ ऐसे थे कि हम वीडियो नहीं बना सके उसकी। हमने अब जो है ना ये देखे, ये आलू वगैरह सारे मसाले में डाल के रखे, आलू के चावल जो है ना, आलू की तैयारी बोले, ये आलू के चावल भी हम बना रहे हैं। और जो है साथ में ये हम दही फुल्कियाँ जो है ना वो हम बना रहे हैं। तो बाकी ये ना रमज़ान में बच्चे क्या कर रहे हैं तो आपको चले बच्चे जो है ना वो दिखाते हैं। मेरी दही फुल्की रखी हुई है, आ जाए। क्या कर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसका रोजा है। ये रोजा है? रोजे में ये हरकत है? ये मोदी सरकार को क्यों लगाया? मोए मोए ये मोए मोए की बीमारी जो है ना पूरे दुनिया में लाल हुई हुई है। और इनको भी मोए मोए की बीमारी लग गई है। ये ट्रेंडिंग वायरस जो है ना इनमें भी घुस चुका है। अब आज जल्दी करो बेटा, रोजा है, रमजान में जो है आप ये जो है ना ये लगाओ। और इसका तो रोजा है, ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये बिगड़ी हुई औलाद का रोजा है। और ये रोजे में देखा मोए मोए हो रही है इसकी। नमाज पढ़ी? नमाज पढ़ ली। असर की पड़ेगा, जोहर की पड़ी, फजर देखा इसका, हर नमाज का टाइम निकलता है, आगे आगे वाली नमाज पे बोलता है ये पढ़ूंगा। और इसके पापा की कंडीशन ऐसी है कि वो सामने नहीं आ सकते। और ये आसिफ ने जो है ना रूम के कुछ चेंजेस किए। और ये आयजा ने आज रोजा नहीं रखा, आयजा ने एक रोजा रख के अब इसकी हालत देख कैसी हो गई। हालत ऐसी हो गई है रोजा, एक रोजे में ये हाल हो गया। ऐसा सीधे हो जाओ, आज मेरे छोटा नहीं, मेरे वो जल जल पौड़ियां, चौथा रोजा था, आज मेरा चौथा रोजा था, आज ही खत्म हो गया। टेंगे टेंगे आनंद रखी, कल फिर पंद्रह वाला टेंगे टेंगे। वो हमारी गली में ना, हाँ, छोटे छोटे कबूतर ने ना छोटे छोटे अंडे लिए। अच्छा कहाँ है, दिखा दिखा। ये कबूतर है और इसने अंडे दिए। ये बाजरा भी रखा हुआ है इधर, पूरी सेटिंग बनाई हुई है, पानी खाना वाना सब रखा हुआ है तुमने, साथ में फ्रूट भी रखा हुआ है। सही है यार, उनका भी रोजा खुल जाता है। ये बाजरा ये खा भी रहे हैं या बस ऐसे ही बस चल रहा है? खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। ये जो है पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई, अब इसको हम जो है ना निकालेंगे। इसको डायरेक्ट क्या पानी में डालेंगे, क्या करेंगे इसको? थोड़ा सा पहले तो इसका ऑयल वो करेंगे, उसके बाद इसको जो है ना
इस तरीके से अगर आप थोड़ी देर इसको रख देंगे तो इसमें से जितना भी ऑयल है ना वो सारा का सारा इसके भाप से जो है ना वो सक हो जाएगा। और फिर अगर आप इसको आप किसी टिश्यू पे या कागज़ पे भी रखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि आपके जो टिश्यू है या उस पर ना ऑयल का ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत लाइटली अगर हुआ तो निशान, अदरवाइज़ के बिल्कुल भी जो है ना वो मैं डेली का करती हूँ। और डेली जो है ना क्या कहते हैं इसमें कोई भी, अभी आप देखें कितने माशाल्लाह से क्रिस्पी और ड्राई हो गए। अब ये जो है क्या कहते हैं उसका जो फुल्की है, फुल्की का अंदाज़ लेंगे, लेकिन ये कि फ़िलहाल आप इसको देख सकते हैं कि कितने ड्राई हो गए। हम रख भी सकते हैं इसमें, ये देखें इसको हम रख के डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज भी कर सकते हैं, सॉरी इसको आप रख दें या शीशी में आप वैसे ही बाहर रख दें, ये ख़राब नहीं होंगे। फिर पानी में डालो फिर नरम पड़ जाएंगे। जी ये फिर पानी में डालो फिर नरम पड़ जाएंगे। ये जो है ये मैंने इसमें पानी में ऐड कर दिया। अब मैं दूसरे जो है इसका तरीके का अपने जो दही की छोटी छोटी फुल्कियाँ बनानी है उसका जो बनाने का तरीका है वो इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप डालते रहेंगे तो वो बाजार वाले तो बेसन की बनाते हैं, ये दाल की क्यों? बस हमें दाल की अच्छी लगती है। अच्छा। दाल की टूटती अपनी अपनी नहीं, दाल की टूटती भी नहीं और अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें दाल की अच्छी लगती है तो इसीलिए हम दाल की बनाते हैं। दाल की में एक अलग मज़ा आता है, बेसन तो पकौड़े में भी आप खाते हैं, बेसन बहुत सारी चीज़ों में आप यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं ना वो हमारी फुल्कियाँ जो है ना, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना फुल्कियाँ बिल्कुल अलग अलग ये बिल्कुल इस स्टाइल में आ गई हैं, ये सारी अलग हो गई हैं, ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं जैसी कि आप मार्केट से छोटी छोटी लेते हैं वो इस तरीके से वो होती हैं। तो इसलिए बेसन जो है ना वो आप खा ही रहे होते हैं, बेसन की बहुत सारी चीज़ें आप बना लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा बना लिया या इस टाइप की कोई बेसन के आलू के क्रिस्पी कोई चिप्स बना लिया कुछ ऐसा कर दिया, तो वो बेसन तो हर चीज़ में वो ऐड हो रहा होता है। तो इसलिए जो है ना इसमें थोड़ा सा आप अगर फुल्कियों का बनाएंगे दही बड़े तो वो आपको ट्राई करेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा, और उसमें आप ज़बरदस्त सा चाट मसाला डाल के खाएं तो वैसे ही बड़ा चटपटा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ व्यूअर्स आपको, ये देखें आप, ये जो है ना मैंने बनाई थी सिल पे जो है ना चटनी, सिल लहसुन की। जी हाँ मैं जो है ना एक अदद सिल साथ हटो, ये मेरी सिल है, ये मैं सिल लेकर आई हूँ जो है क्या कहते हैं सदर सिल बट्टा, सिल बट्टा ये तो हमारी अम्मा इस्तेमाल करती है। हाँ ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि सिल की चटनी जो होती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये मैंने तीन लहसुन की जवे जो होती है ना, मतलब कि वो पीसेस जो होते हैं ना वो पीसेस ले लिए, ज़ीरा डाला है और दो मिर्ची कुटी हुई मिर्चें डाली है और इसको मैंने सिल पे खूब पिसा 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 पीस के और फिर इसमें एक चम्मच जो है ना खाने का ऑयल वो मैंने डाल दिया है। और ये इतनी ज़बरदस्त सी ये चटनी है ना कि हुज़ैफ़ा साहब जो है ना ये इसको इसमें ऐड करके खाते हैं। अच्छा ये लहसुन तो ऑलरेडी वैसे ही जो है ना क्या कहते हैं बड़ा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए कि वो ब्लड को जो है ना सर्कुलेशन में बहुत वो करता है, तो लहसुन तो खाने कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल जमने नहीं देता। अगर आपके जो दस्तरखान पे ना लहसुन की चटनी हो ना तो ये आपको बहुत फ़ायदा, क्योंकि हम जो रमज़ान में ना वो ऑयली चीज़ें बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ ऑयल की होती है तकरीबन जो है ना चीज़ें हमारी सारी ऑयल की ही होती हैं। हमारी कोई फ्रूट होता है जस्ट एक ऐसा कि जो कि वो होता है, लेकिन फ्रूट इतना खाया नहीं जाता, जाहिर सी बात है जो सबके मुंह में जो है ना रोज़े के चटखारे आ रहे होते हैं उस चटखारों की वजह से जो है ना लोग ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते, तो उसके लिए जो ये चटनी है ना वो बहुत बेस्ट है। आप अपने जो दस्तरखान पे है ना उस इस चटनी का एडिशन लाजमी कीजिए ताकि जो है क्या कहते हैं आपके जो आप ये ऑयली चीज़ें खा रहे हैं इसको ना वो कवर कर लें, तो आपकी जो फिटनेस है ना वो बहुत ज़्यादा बरकरार रहे, सेहत याबी के साथ रहे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो मैंने बताई है, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे
और आप लोगों को फ़ायदा लगे अपनी सेहत के हवाले से तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये जो है क्या कहते हैं मेरे दही बड़े तैयार हो रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ और बना रहे हैं क्या? सिर्फ हमने वैसे बनाया क्या क्या रमज़ान में व्यूवर्स को ये तो बताया, हमने बनाए थे क्या कहते हैं वो कीमे के समोसे बनाए थे, इसके अलावा हमने वो क्या कहते हैं मिक्स वेजिटेबल और चिकन मिक्स जो उसमें हमने रोल बनाए थे, हमने ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, हमने भरी हुई मिर्ची बनाई थी, हमने फ्राई कचौरियाँ, हमने कचौरी, हाँ बेसन लगा के हमने आलू की कचौरियाँ बनाई थी। और जो है क्या कहते हैं सॉरी हम लोग हमने ना आपसे ना कुछ भी शेयर नहीं किया, इवन के बनाना क्या दिखाना भी हमने शेयर नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ थे, तो हमारा जो इंटेंशन थी ना वो वीडियो की तरफ आई नहीं, वीडियो की तरफ नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इतना बिजी होते कि टाइम हमारे पास नहीं होता वीडियो बनाने का, हम जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए और बच्चों की खुशी के लिए बना लेते कि बच्चों को जो है ना जब ये बड़े हों तो इनकी जो चीज़ें ना वो इनको इधर रिमेम्बर रहे कि क्या क्या इनकी लाइफ में चीज़ें होती थी। वो देखते हैं ना पुरानी वीडियो तो बोलते हैं अभी हम इतने छोटे थे क्या अभी, तो वो जो है ना यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं ये सारी जो है ना आपकी रिमेम्बर जो है ना आपके बच्चों की आपकी चीज़ें एक ऑन रिकॉर्ड हो जाती है, तो इस लिहाज से हम ये वीडियोस बनाते हैं जो है क्या कहते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों को है ना वो करें कि उनका जो लम्हा है बहन भाइयों का खासकर जो होता है ना जो बड़े होके चेंज आता है तो ये वीडियो देख के पता चले कि वो कितना क्लोज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, रूठना मनाना भी होता है, तो ये चीज़ें चलती है, माँ बाप के साथ क्या अटैचमेंट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों की इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तो हम इस पर्पस से जो है ना अपनी वीडियोस बनाते, तो हम इसलिए डेली पे काम नहीं कर पाते क्योंकि मेरी जॉब होती है तो हम लोग बिज़ी होते हैं, तो दोनों की जॉब है, दोनों ही बिज़ी है, और जो है बच्चों की जाहिर सी बात एक लाइफ है, वो स्कूल जाते हैं फिर मदरसा जाते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं फिर हम शाम में आते हैं, शाम में थके हुए होते हैं, शाम में 6 बजे के बाद हम सारे आके बैठते हैं तो जाहिर सी बात है हम थके हुए होते हैं, बच्चे मेरे जो है ना वो एक रूटीन है उनकी ना, उनकी रूटीन ये है कि वो शाम 8-9 बजे वो सो जाते हैं तो 7-8 बजे उनको खाना मस्ट बेसिस पे चाहिए होता है, तो उसके लिए हम फिर ऑफिस से आके उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं कि हम लोग इनको टाइमली खाना खिला दें और ये अपनी जो 8 घंटे की नींद है ना वो प्रॉपर ले सके ताकि जो है ना ये अपनी दिन भर की एक्टिविटी को बहुत एक्टिव होके वो कर सके, परफॉर्म कर सके। तो माशाल्लाह से वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों की दुआओं से आप लोगों के साथ से वो अपना बेस्ट जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कर रहे हैं वो, और वो जाहिर सी बात है बच्चों की सपोर्ट से होता है, माँ बाप तो अपनी एफर्ट्स दिखाते ही हैं लेकिन बच्चों की भी सपोर्ट होती है क्योंकि ज़्यादातर जो है ना बच्चे वो ढीट होते हैं या वो होते हैं बहुत ज़्यादा, अभी तो इनका रिजल्ट भी आएगा उसकी भी वीडियो अभी है, जो इनका रिजल्ट भी 2 दिन के बाद इनका रिजल्ट है तो इनके एक रिजल्ट की वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे, हम इनको लेकर नहीं जाएंगे सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, इसलिए वीडियो जो है ना उनको हम सरप्राइजिंग जो घर पे है ना वो दिखा देंगे आपको कि इनका क्या रिजल्ट आया है, थोड़ा सा जो हमें डर है वो साथ का है बाकी तो हमें और अल्लाह का शुक्र है किसी का नहीं क्योंकि उसकी टीचर बिल्कुल भी अच्छी और कॉपरेटिव नहीं है, ये मैं जो ऐसे की वो टीचर है साथ की वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव और अच्छी नहीं है, तो जो है क्या कहते हैं ना इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिसाइड है कि उसके हमारा जो बच्चे का ना कॉन्फिडेंस बड़ा लूज़ हो गया है, उनकी कंप्लेन से हम तंग आ चुके हैं, हमारा बच्चा जो है ना वीक पे जा रहा है। बहरहाल ये हमारी जो है ना आज का जो है ना व्लॉग है और क्या कहते हैं बच्चों का बड़ा सन्नाटा हो गया, कह रहे क्या हुआ है, देखा नहीं देखे देखे अच्छा मोबाइल में लग गए, ये यहाँ तो नहीं है, बोलो जी ये क्या हो रहा है, कभी वहाँ कभी यहाँ तुम लोग एकदम से कहाँ कहाँ, हाँ अभी क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, साथ छोड़ो भाई को, तूने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तूने क्या किया था, इसके गरीब की हालत तो देखे व्यूअर्स, इसको इतना मना किया है ये फेंक दे मगर इसको ये ना गर्मी में इसको इसकी चाहत है, बस मोमा नहीं फाड़ो, कैसे क्या किया इसकी जो पेंट है ना वो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना अपनी पार्टन में जितनी भी नई पेंटें ले लूँ ना क्योंकि इसकी जो है ना ये घुटने में से ना पेंटें फ़ौरन से फट जाती है, और मैं इसकी पेंटें कहीं ऐसी किसी जगह से नहीं, हालांकि मैं चेज़ब से लेकर आती हूँ बट जो है ना
ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ सदर से लाती है, चेजर से लाती है, अच्छी जगह से वो काली रोड पे पैसे अच्छी मिलती है देखने में। तो ये नाराज आपा है, वो नाराज है, गुमसुम है। इसने पहले क्या किया, मैं मोबाइल देख रहा हूं, मैं मोबाइल देख रहा हूं, थोड़ी देर तो इसकी स्टोरी अभी बाकी रह गई है। जी जी है ना, ये अपनी पैंट ही इधर से फाटे थे घुटने से, तो मैं जाहिर सी बात है नहीं पहनता था, मैं फेंकने में दिल दिल देता, तो मैं उसकी थोड़ी सी कटिंग करके इसको चड्डा बना के दे देती हूँ। तो उस चड्डे पे भी ये हाल किया है इसने, आप व्यूअर्स देख ले मैं कितना कम इसके लिए। अभी क्या कर रहा है मोबाइल पे, क्या देख रहा था भाई? यूट्यूब देख रहा था। क्या हुआ बेटा? भाई को चड्डा देख ले। चड्डा नहीं होता बेटा, शॉर्ट्स होती है। ये शॉर्ट्स होती है, जो शॉर्ट्स हम वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ही ये पैंट की शॉर्ट्स होती है। ये तो जो है क्या कहते हैं ना व्यूअर्स, ये हमारी अभी की रूटीन थी। अब हम करेंगे अफ्तारी, जो है क्या कहते हैं बनने के बाद, अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम, अभी असर की अजान भी नहीं हुई है, तो ये हम लोगों की रूटीन चल रही थी। और जो है क्या कहते हैं ना, हम छोटे से क्लिप आपको दिखाएंगे जो कि क्या कहते हैं हमारी तारीख जो तैयार हो जाएगी, वो हमारी डाइनिंग के दिन, जिससे जो भी कुछ होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने बहुत अच्छे से नवाजा हुआ है। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको दे और सबके लिए अच्छाई करे। रमज़ान का रहा महीना, सबके लिए दुआएँ कीजिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको बहुत से नवाजे, बहुत से नवाजे। जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो लोग जो है क्या कहते हैं मजबूर हैं, उनके लिए सबके लिए अल्लाह भलाई सोचे और सबको भी आसानियाँ करें और सबको खुश रखे और सबको बहुत से नवाजे। तो व्यूअर्स जो है क्या कहते हैं ना, हमारी वीडियो आज की यहाँ तक ही, हम आपको डाइनिंग आज का आपको दिखा देंगे कि हमारा आज डाइनिंग में क्या क्या था। तो ये इनका भैया, ये सुबह से रोजे उठ के जो है क्या कहते हैं इनके हाल है, इनको होश ही नहीं है कि हम थोड़ा सा बच चढ़ी अफ्तारी के बाद थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे फिर बाहर चले जाएंगे, और फिर ये बाहर चल देंगे और फिर गंदा हुलिया करके आएंगे और फिर ये फिर पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर ये रात के जो तैयार होंगे वो पूरा दिन इन्हीं हुलिया में। सीवर आज की वीडियो हमारी यहीं तक की आपके साथ, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को फिर भी कर लीजिएगा, जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक आ सके। और आप अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपना साथ ज़रूर दीजिएगा हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।